दोस्तों, हेमंत सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री है, जिनकी अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता है। क्या होगा यदि हेमंत सोरेन की मृत्यु हो जाए? कौन संभालेगा झारखंड को? कौन बनेगा झारखंड का मुख्यमंत्री और कैसी होगी झारखंड की हालत? चले इसके बारे में आज जानते हैं पूरी वीडियो में कि झारखंड में यदि हेमंत सोरेन की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का। इसमें चले बात करते हैं नंबर वन, पार्टी में नेतृत्व संकट। जी हाँ, हेमंत सोरेन के निधन के बाद पार्टी में नेतृत्व का संकट पैदा हो सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कौन आगे आएगा, यह एक बड़ा सवाल होगा। उसके पिता शिव सोरेन की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उसके पास सीमित विकल्प रहेंगे। पार्टी को नए नेतृत्व के चुनाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर टू, सरकार पर असर। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में एक गठबंधन सरकार के टूटने की संभावना बन सकती है। गठबंधन के दलों के बीच तालमेल बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा और इससे सरकार के भविष्य पर सवाल भी उठ सकते हैं। नंबर थ्री, विपक्षी पार्टियों का रोल। जी हाँ, हेमंत सोरेन की मृत्यु के बाद बीजेपी जैसी विपक्ष पार्टियां इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। राज्य में अस्थिरता बढ़ सकती है और अगले चुनाव में विपक्ष को मजबूती मिल सकती है। दोस्तों, यह एक काल्पनिक परिदृश्य है और इसका उद्देश्य सिर्फ संभावित राजनीतिक परिणामों पर चर्चा करना है। हमें उम्मीद है कि झारखंड की राजनीति स्थिर रहे और हेमंत सोरेन स्वस्थ रहे। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। चले मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।